नमस्कार, मेरा चैनल रमन यादव ऑफिशियल पे आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बिट्टू मलंगिया जी का इंटरव्यू लेने आया हूँ मलंगिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, जो कि मलंगिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो ये खोले हैं। कितना में खोले हैं ये? करीब 2020 में 2020 में खोले मलंगिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो। पहले मेरा यूट्यूब चैनल सिर्फ चलता था बिट्टू मलंगिया एंटरटेनमेंट से, लेकिन दोस्तों और ने बोला कि स्टूडियो भी खोल लीजिए ताकि कहीं पे जाना ना पड़े हमको, इसलिए सबको मिलजुल के स्टूडियो। शुरुआत में मेरा साथ दिया था स्टूडियो में यही रमन यादव, और दोनों मिल के चलाते थे, काम करते थे और हमेशा करते रहेंगे हमेशा, ये तो है। तो स्टूडियो मतलब सबसे पहले कब खुला था, किस दिन मलंगिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो, क्या आपको याद है? सबसे पहले सो तो नहीं बता सकते, करीब नवंबर में 27 तारीख या 28 तारीख, मैं बता रहा हूँ आपको, अक्टूबर नवंबर में खुला तो आपको भी अंदाज होगा। मलंगिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो सबसे पहले 17 नवंबर को ओपनिंग हुआ था, ठीक है? आप शायद भूल रहे हैं। तो 17 नवंबर को ओपनिंग हुआ, और एक बार मलंगिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो 27 दिसंबर 2019 के रात में चोरी हो गया 2 महीना के बाद खोला, तो आपको पता होगा। तो कितना लॉस हुआ हम लोगों का तो आप जानते हैं। फिर मलंगिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो दोबारा खुला स्टूडियो आपको दोबारा खुला है फरवरी 2020 में 7 तारीख को। मेहनत किए यहाँ तक लाए। और चलिए, मेरा ये सवाल, स्टूडियो नहीं था आपको तो इससे पहले आप कैसे किसी सिंगर से गाना लेते थे? नहीं तो देखिए, मेरा जो है सबसे पहले सॉन्ग अपलोडिंग करते थे, वैसे ही हंसी मजाक में हम भी यूट्यूब खोल दिए थे, कोई सीरियस लेके खोले नहीं हुए थे। करीब 2017 में ही खोले हुए थे, जब पंजाब गए थे, पंजाब आकर के पंजाब से आए हुए, तो उसके बाद 2 महीना पंजाब में रहे, पंजाब से आए तो यूट्यूब चैनल खोले, तो वैसे ही करके अपलोडिंग कर रहे थे। बाद में मेरा चैनल हाईलाइट हुआ, मतलब पब्लिक के नज़र में गया, और पहले इतना यूट्यूब चैनल नहीं था। आजकल जितना यूट्यूब चैनल मार्केट में है, क्योंकि आजकल 2 सिंगर गाता है, 1 सिंगर गाता है, और सबसे पहले पूछ होता है कि भैया स्टूडियो खोलेंगे और कितना में खुलेगा। सबसे बड़ी यही घटिया चीज़ हमें लगा, क्योंकि 3 साल मैं भी स्टूडियो चलाई हूँ इनके साथ। तो सबसे पहले जो भी सिंगर आता था, एक गीत गाता था, भले वो उसे गाना हो या ना हो, वो अच्छा गाता है या खराब गाता, भैया हम स्टूडियो खोलेंगे, ये सबसे बुरा बात है। पहले आप नॉलेज ले लीजिए, उसके बाद स्टूडियो खोलें। स्टूडियो खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, देखिए स्टूडियो कोई बड़ी बात नहीं है, 2-4 लाख सब खोल सकता है, सब खोल, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आजकल कॉमन चीज हो गया, क्योंकि हर घर हर जगह हर 5 मिनट 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर पे स्टूडियो है, कंपटीशन की दुनिया खुल गया, मतलब एक तरह की चौर दैल का दुकान की तरह खुल गया स्टूडियो जगह जगह। हाँ तो लेकिन इतना देख रहे हैं अभी फिलहाल मार्केट में कि स्टूडियो तो लोग खोल लेता है, लेकिन काम नहीं कर पाता है, कितना आदमी जो है मतलब काम नहीं कर पाता और सही से नहीं। लेकिन हम आप लोगों को एक ही बात बताना चाहता हूँ, कहीं पे जाइए, कहीं पे रिकॉर्डिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे उसका मतलब डिटेल चेक कीजिए, कैसा है उसका, कैसा मार्केट है, या फिर उसका सॉन्ग मतलब उसके कंपनी में कैसा बनता है, ये सर्च कीजिए। उसके बाद उसके पूरा डिटेल लेने के बाद उसके कंपनी में जाइए, ये नहीं कि कॉल कर दिए यूट्यूब पर से नंबर लेके, भैया रिकॉर्डिंग करना है, चले गए वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर लिए, गाना मिक्सिंग हुआ नहीं सही से, आप बोलिए कि मतलब कुछ आपका भी टैलेंट होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि हर गलती स्टूडियो वाला के ही होता है, क्योंकि कुछ कमी सिंगर का भी होता है। अगर सिंगर अच्छा से गाएगा ना, तो स्टूडियो वाला उसके साथ भरपूर मेहनत करेगा और हमेशा साथ देगा, उसका जो सॉन्ग है ना, सॉन्ग अच्छा क्वालिटी में बनेगा, क्योंकि आप जब तक स्केल पे नहीं गाइएगा ना, तब तक कोई भी गाना सही से नहीं बनेगा, सो बात है। लेकिन हम मैथिली में सबसे पहले आप ही चमके हैं, दावा के साथ हम कहते हैं, मुझे ऐसा कोई बात नहीं, नहीं, हम बताते हैं जब जहाँ तक मेरी जानकारी है, नहीं इससे पहले भी है, माधव भैया भी है, नहीं दरभंगिया भी भैया, तो हम बता रहे हैं ना, पहले मुझे बोलने दीजिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, माधव भैया, दिलीप दरभंगिया जी और जो भी है सिंगर, पूनम दीदी, वो सब मतलब सिंपल लाइन रफ जो आया ना मैथिली में जो रफ आया, तो आप ही के चैनल से अभी जो सबसे बड़े स्टार माना जाता है अनिल यादव, वो अनिल यादव कहाँ से ये हिट हुआ है पहले बताइए। सो बात नहीं, अनिल यादव, अनिल भैया जो है मतलब जो गाना उसका आता था, मतलब रिलीजिंग मेरे कंपनी से होता था, ज़्यादातर रिकॉर्डिंग उसका खुद का कंपनी से होता था, माँ दुर्गा म्यूजिक, और वो हमेशा, और रिलीजिंग जो है ऐसे मतलब पहले मिल के काम करते थे, कुछ डिजाइनिंग हम करके देते थे, और बहुत काम ऐसे हुआ जो सब कोई मिल के किए, और हमेशा करते रहेंगे, अभी भी कर रहे हैं मिल के, भले मतलब अभी बात नहीं चीत हो रहा है, और बातचीत होगा हो कि इससे पहले भी बात किए तो अच्छा से प्यार से बात किए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब मिल के काम कर रहा है, अपना मिल के काम कर रहा है, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और हमेशा सब मिथिला के मिल के काम कीजिए,
बस यही चाहेंगे और मिथिला को आगे बढ़ाइए। कभी सुने हैं घनश्याम सिंह राजपूत जो एक गाना आया था पंडित जी के पटेल के रो, वो भी आप ही के चैनल से ही जी, हुआ है। क्या बोलना चैनल पर वो गाना करीब अभी मेरे चैनल पर नहीं कुछ तो 5+ मिलियन होगा। 5 मिलियन? हाँ 5 मिलियन है अभी मेरे चैनल पे, क्योंकि वो गाना A to Z मार्केट में मेरे ही चैनल से बजा था वो गाना। और मतलब घनश्याम सिंह भी आप ही के चैनल से चमका है एक तरह से। फिर उससे पहले जो रमन जी यादव आए थे उसका भी कौन डीजे वाला सुइया दिल को ऐसा करके गाना, वही गाना पहले मेरे चैनल पे मिलियन गया था। उसके बाद मतलब राज भाई जो वीडियो जो बनाया हुआ है उसका भी कॉल मेरे पास ही आया था सबसे पहले कि भैया ये गाना चाहिए वीडियो बनाने के लिए, लेकिन हम क्योंकि किसी का कंटेंट लिए हुए थे हम खुद, हम किसी को दे नहीं सकते बिना पूछे, इसके लिए हम प्लानेट म्यूजिक के किशन भैया का नंबर दिए थे, उससे बात किया, उसके थ्रू वीडियो बना है और अच्छा खासा उसका भी मार्केट बना है। हाँ तो रमन जी यादव मतलब आप ही के मतलब चैनल द्वारा पहचाना गया, नहीं तो इससे पहले उनका मतलब आता था मार्केट में? मतलब जो मतलब मेरे चैनल पे जिस व्यक्त ये कॉमन डीजे वाला जो वायरल हुआ था ना, उससे पहले मतलब दोनों मतलब एक और सॉन्ग था शायद कोई और सॉन्ग था जो दोनों मतलब एक ही बार मेरे चैनल पे कॉमन डीजे वाला वायरल हो रहा था और प्लानेट म्यूजिक दरभंगा जो चैनल था अभी फिलहाल बंद हो चुका है पुराने चैनल, अभी प्लानेट म्यूजिक रीजनल चल रहा है, तो उस पर मतलब एक चैनल वायरल हो रहा था, मतलब दोनों चैनल एक साथ वायरल, दोनों गाना एक साथ वायरल हुआ, कॉमन डीजे वाला मेरे पास और एक और गाना था जो अभी भूल रहा हूँ उसका वो दूसरे चैनल पे हो रहा था, उसी दिन से उसका भी पहचान बनने लगा, पहचान आपके चैनल से बनने लगा। और एक गाना हो गया और दो सिंगर हुआ और एक सिंगर और था ना आपके पास, कौन कौन? अभी दो ही हुआ घनश्याम सिंह राजपूत हो गया, अनिल यादव हो गया, रमन जी यादव हो गया, तीन हुआ, यही तीन हुआ ना, तीन ही आपके मतलब चैनल से स्टार्ट हुआ। ज़्यादातर तीन सॉन्ग जो ज़्यादातर मेरा चैनल पे मिलियन शुरुआत में, जैसे अनिल भैया का जितना भी गाना मार्केट में बजा था मेरे ही चैनल से बजा था, और अभी भी कितना सॉन्ग मेरे पास मिलियन है, और 3 बजे भरिया भी मेरे ही चैनल से बजा था। हाँ वही 3 बजे भरिया मेरे ही चैनल से बजा था तो उसका भी, लेकिन अभी वो मैं सॉन्ग किसी कारण डिलीट कर चुका हूँ क्योंकि कॉपीराइट इशू आजकल ट्रैक पे भी मार देता है लोग, तो उसके वजह से हम वो सॉन्ग डिलीट कर दिए हुए हैं। लेकिन मिथिला में एक बात देखे हैं, अभी 2 महीने पहले एक हल्ला हुआ था एक दूसरे के चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक फलना चिल्ला मार रहा है, क्या इस बारे में हम क्या बोलना चाहेंगे? नहीं तो कॉपीराइट स्ट्राइक मारता था, अब जो आदमी मार रहा था तो उसको तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अगर कोई आगे बढ़ रहा है ना तो उसके लिए पीछे जलन से 50 आदमी पीछे पड़ जाता है, लेकिन हम ये नहीं चाहते ऐसा नहीं करना नहीं चाहिए क्योंकि कोई भी आदमी अगर आगे बढ़ रहा है ना तो उसको सपोर्ट कीजिए और ये भी देखिए कि वो कैसे आगे बढ़ रहा है तो उसके मतलब सपोर्ट कीजिए, अगर सपोर्ट नहीं कराना आता है तो आप कुछ नहीं कीजिए आगे बढ़ने दीजिए, आप भी मेहनत कीजिए आप भी आगे बढ़िएगा, ये नहीं कि आप उस पर स्टैक मार दिए या फिर कॉपीराइट गिरा दिए और उसको नीचे गिरा दिए, इससे कोई मतलब बड़ी बात नहीं हो गया, इससे आप बड़े आदमी नहीं हो जाएंगे, फिर भी छोटे कहेंगे क्योंकि अभी तक देख रहे हैं कि जितना भी चैनल पर स्ट्राइक मरा है सब बैठ चुका है, लेकिन अब जो कुछ हमारे मिथिला में संगठन बना है जो सारे मैथिली संगठन चला रहे हैं तो उसके थ्रू अभी तो दम धरा है, फिर भी अभी आ जाता है, मेरा एक चैनल और पे आ गया था स्ट्राइक जो हट चुका है, अभी फिलहाल एक चैनल पर आया हुआ था ये 5-10 दिन की बात है हट चुका है। और एक सवाल, अभी तक आपने कितना गीत गाया है? मेरा गीत सो तो नहीं बता सकते हैं, करीब 20-25-30 पर चला गया होगा, लेकिन मार्केट में बजा नहीं क्योंकि हम इससे भी शौक से गाते हैं। सॉन्ग पे आप ध्यान नहीं देते हैं? नहीं, मेरा कोई गायकी का मतलब जो सिंगर आता है उस पे आप ध्यान देते हैं? हाँ, सॉन्ग मेरा गायकी का शौक नहीं है, वो 1-2 सॉन्ग गा लेते हैं कभी भी, महीना में 1-2 महीना में शौक के लिए गा लेते हैं, लेकिन मेरा तो ज़्यादातर लक्ष्य रहता है कि मेरे कंपनी में जो भी आता है ना उसको मैं सपोर्ट करूँ ज़्यादातर और ज़्यादातर ही आगे उसको बढ़ाऊँ। मतलब आप चाहते हैं कि जिसका मैं पैसा लेता हूँ जिस सिंगर को उसको मैं आगे बढ़ाऊँ और उस जिसका मैं पैसा लेता हूँ मेहनत करके यहाँ पे उसको आगे बढ़ाऊँ, ना कि अपने खुद आगे बढ़ जी जी हाँ वैसे ही करते हैं, मतलब अपना खुद आगे बढ़ने की कोशिश में नहीं रहते हैं बल्कि सिंगर को आगे बढ़ाएं, सिंगर अगर किसी भी मेहनत कर किसी भी अगर कोई भी सिंगर अगर 2 रुपया फंसा के गाता है ना तो वो भी मेहनत करके लाता है, आस लगा के आपके पास आता है तो उसको हमें दिल नहीं दुखाना चाहिए। हाँ ये भी है मेरे कंपनी में एक और एक सिस्टम भी है कि अगर जो सिंगर नहीं गा पाता है, अगर एक बार में नहीं सही हुआ, अगर कोई फॉल्ट लगा, अगर हम में कमी हुआ तो फिर से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फिर से मिक्सिंग कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, होता है कभी कभी कोई ना कभी कारण गड़बड़ हो जाता है इसके कारण, तो
हो जाता है, लेकिन फिर भी हम दोबारा रिकॉर्डिंग उसको कर देते हैं और फिर से मिक्सिंग करके देते हैं, और जब तक सही नहीं होता है तब तक मैं गवाता रहता हूँ उसको और गवाते रहूँगा, क्योंकि कोई भी सिंगर आता है तो पैसा लेके आता है, पैसा दे के गाता है तो मेहनत से पैसा लेके एक बार है। मैं 3 साल से यहाँ हूँ लगभग आपके साथ और बचपन से हूँ, मैंने सबसे यही देखा है सबसे बड़ी बात इस स्टूडियो का, इस स्टूडियो में एक गीत को भर दिन गवाया जाता है, सबसे बड़ी मेहनत इसी स्टूडियो में मैंने देखा है, नहीं तो पैसा के चलते, और स्टूडियो में मैंने ज़्यादा नहीं देखा है लेकिन देखा है कुछ कुछ स्टूडियो, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, पैसा के लिए मतलब जैसे तैसे रिकॉर्डिंग करके दे दिया, यहाँ पे मैंने देखा है जब तक सही सिंगर गाएगा नहीं सही से हाँ। तब तक बताता रहता चाहे 2 दिन क्यों ना लग जाए 2 दिन हाँ, लेकिन उसको प्लास्टिक भी करवाता हूँ और बाद में कुछ हद तक सही होता है उसके बाद ही उसको छोड़ता हूँ, क्योंकि शुरुआत में कोई भी सिंगर अगर तुरंत एक ही बार में अच्छा से नहीं गाने लगेगा, सो बात है, अगर जिसको मेहनत करना है अगर 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा भी लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम कर देते हैं उसके साथ मेहनत। तो अभी आपको कौन कौन गीत लिख के देता है? मेरा गीत अभी फिलहाल अभी मेरा गीत रिकॉर्डिंग हुआ है देवी गीत सुनील निधर्दी जी का, जो मैथिली का सिंगर राइटर भी है सुनील निधर्दी, जो आप नाम सुने होंगे हाँ सुने हैं तो उसका लोहा कपसिया का हाँ लोहा कपसिया का, और मेरा सबसे पहला गीत इस फील्ड में मतलब इस लाइन में आए हुआ हूँ जब से आया हूँ, और सबसे पहला गीत गाया हूँ तो मैं सुनील दीवाना जी का, जो अभी भोजपुरिया दबंग म्यूजिक चल रहा है यूट्यूब चैनल उसका, और आज तक आज वो सिर्फ चैनल के ही लेके चल रहा है और चैनल सबका सपोर्ट कर रहा है वो भी, तो उसका मतलब इस फील्ड में जो है ना मतलब सुनील दीवाना का ही मतलब हाथ है, और इस लाइन में आए जब तक आए हैं ना इस लाइन में सुनील दीवाना ही लाया है हमको, और वही मतलब उसके वजह से ही मतलब अभी गा रहा हूँ इस फील्ड में गाता मतलब है। आपको मतलब कभी कभी दूसरे राइटर सब भी दे देता है आपको गाने हाँ, कभी कभी दूसरे राइटर भी दे देता है, जैसे हुआ सुधीर सुमन PP5 स्टार PP राज का जो राइटर था उसका भी गीत गाया हूँ, फिर क्या कहता है शशिकांत राय का उसका भी गीत गाया हूँ, और सुनील दीवाना तो बोले दिए क्योंकि उसके वजह से तो आज हम जो भी हैं इस लाइन में हैं, क्योंकि उसकी वजह से मेरा पहला गीत आया था और पहले शुरुआत में रिकॉर्डिंग करवाएं उसी से, और आज तक फील्ड में उसी की वजह से आए हुए हैं। अच्छा, क्या आपने मेरा गीत लिखा हुआ गाया है? हाँ, आप क्या कितना करीब 2-4-5 सौ गाए, सॉरी भूल चुके थे नहीं मैंने आपको याद दिला दिया आपका भी गीत गा चुके हैं। अच्छा, मेरा भी गीत 4-5-6 गाना से करीब ज़्यादा ही हो गया उतना ही लिखे हैं, बट अभी आप वोट था ना तो इसलिए बिजी थे, आप जानते थे तो अब देंगे फिर आपको। और किस किस के साथ आप मिल के गीत गाए हैं अभी तक? अभी तक मैं आपके साथ तो पहले इस बार बोलेंगे हाँ, क्योंकि सबसे पहले मुझे छोड़ दिए थे, और दूसरी मतलब पुनूलाल यादव जी है हाँ, मेरे कंपनी का राइटर हाँ, अति सिंगर है सिंगर। और प्लस में मेरे कंपनी का जयराम ज्योति है उसके साथ भी एक विवेक इस साल गाए हुए हैं, क्या कहता है ये क्या कहता है इससे पहले मतलब कृष्ण पूजा का गीत गाए थे। अच्छा, और एक सिंगर और है कमलेश, शायद कमलेश जो मेरे सिंगर नहीं कमलेश के साथ अभी नहीं गाए हुए हैं, वो आएगा अभी मुंबई में है दूसरी जगह बाहर है, वो आएगा तो फिर गाएंगे उसके साथ, जरूर गाएंगे उसके साथ भी। अच्छा, इतना तक हो गया हाँ। और आज जी जब आप स्टूडियो नहीं खोले थे तो कहाँ गए थे गाने के लिए? नहीं तो मेरा सबसे पहला रिकॉर्डिंग MMP म्यूजिक मधुबनी में हुआ था, मधुबनी में हुआ हाँ। उसके बाद कितना पैसा लिया था? वो करीब 700 रुपया लिया था और 200 रुपया रिलीजिंग चार्ज भी लिया था, तो रिलीजिंग लिया था तो लेकिन रिलीज किया नहीं उसी दिन आपका किस्मत लिखा गया, रिलीजिंग नहीं किया तो खुद से कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं उसी दिन से मतलब यूट्यूब चैनल का हम अपना लक्ष्य बना लिए हाँ। हाँ, तो ये पर्सनली सवाल आपसे कितना पढ़े लिखे हैं? नहीं, हम इंटर करके छोड़ दिए हैं। इंटर बहुत बड़ी बात है, अभी जो 2019 चल रहा है उसमें इंटर का वैल्यू है? नहीं, हम उतना नहीं पढ़े हुए हैं, काहे बोलेंगे उतना नहीं पढ़े हुए हैं। अच्छा, इतना नहीं पढ़े तो आगे क्या प्लान है? अच्छा हाँ, वीडियो आप वीडियो बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? नहीं, वीडियो नहीं बनाए हैं, हम एक देखे हैं आपका। नहीं तो वो मतलब वीडियो मोबाइल से शूट करके यूट्यूब पे डाले? नहीं नहीं, वहाँ HR पैलेस में, होटल HR पैलेस में तो जो दूसरे सॉन्ग पे मतलब लिप्स कोरस में थे, कोरस में थे। तो क्या आपका मन नहीं होता है दूसरे सिंगर की तरह मैं वीडियो बनाऊँ? मन तो होता है लेकिन क्या करें, अभी काम के मैं आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि मेरा कोई शौक नहीं है सिंगिंग का। अच्छा, मतलब थोड़ा मोरा कभी कभी गाता हूँ, कभी कभी गाएंगे, क्योंकि हम हमेशा मेरा एक लक्ष्य रहता है कि म्यूजिक डायरेक्टर बनने का। म्यूजिक डायरेक्टर, और ये आप शुरू से बोलते हैं, मैं मेरा हमेशा
लक्ष्य है कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनूँ ना कि सिंगर बनूँ। हाँ चलिए। हाँ और सिंगर मतलब म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए भी संगीत का भी नॉलेज होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो जब तक संगीत का नॉलेज नहीं रहेगा तब तक कहाँ से म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा। लेकिन म्यूजिक मतलब खुद का कंपोजिंग 2022 तक शायद चालू कर सकते हैं। मिडी ट्रैक अभी ट्रैक मिडी ट्रैक ही चलाएंगे, न्यू म्यूजिक पे अभी नहीं करेंगे, मतलब पूरा न्यू म्यूजिक अभी टाइम है, टाइम लेना पड़ेगा कुछ नहीं। अच्छा आप स्टूडियो कब से कब तक खोलते हैं? टाइमिंग टाइमिंग मेरा वैसे भी तो है 24 घंटा है। अगर वन समय रहा, अगर सिंगर आना पड़ा तो हम 24 घंटा भी उसके लिए खोल लेते हैं। यहाँ रहने पहने खाने का सब व्यवस्था है। हाँ खोल सकते हैं उसके लिए, हम पूरे 24 घंटा भी खोल सकते हैं। अगर नहीं रहता है तो चले जाते हैं। वैसे भी यहाँ आप सोते हैं। हाँ वो तो हमें पता है। अब देखिए भाई यहाँ पे ये रहने खाने सोने का सब व्यवस्था है। अगर अगर आपका रिकॉर्डिंग दिन में नहीं हुआ तो रात में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। हम देखे हैं यहाँ पे खुद रहे, सब एक्सपीरियंस है मेरा। जब मतलब इतना यहाँ हम लोग मतलब बिट्टू जी जितना काम करते हैं वहाँ शायद कोई स्टूडियो वाला करता होगा, और करते होंगे इससे भी ज़्यादा अच्छा काम करते होंगे। बहुत अच्छा। हाँ करते होंगे, जरूरी नहीं। लेकिन मैंने तो अभी तक नहीं देखा। अब मैं जाऊँगा सभी स्टूडियो के पास, देखूँगा क्या नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम आप ही करते हैं, वही तो हमसे भी कुछ होता है। आपसे भी कोई बड़ा है? आपसे भी बड़ा है कोई, वो तो है। जरूरी नहीं है कि आप ही बड़े हैं, ये बात तो है। सबसे बड़ी बात यही है। हाँ मिथिला में भी बहुत है ऐसा सिंगर जो मतलब गाता है और स्टूडियो वाले जो मतलब रिकॉर्डिंग करता है और रहता है। चलिए अब मैं दोहरा देता हूँ, आप शादी कब कीजिएगा? शादी अभी नहीं करेंगे। क्यों? अभी है कुछ पर्सनली काम। मतलब आपका लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ एक तरह से। जब आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा तब आप शादी कीजिएगा। चलिए अभी शादी नहीं करेंगे। तो कैसी लड़की चाहिए? सिंगर लड़की चाहिए? मतलब होगा ना सिंपल है, गाँव घर की जो है वही चाहिए, सिंगर उंगर नहीं चाहिए। अरे तो, मेरे फैमिली को जो संभाल सके ना। बस तो मैं अगर कहीं रहूँ तो मुझे भोज खिलाने लाइएगा कि नहीं? देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, भोज कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं नहीं देखिए भोज खिलाना है, मिठाई खिलाने कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन देखिए अभी आप चाहेंगे तो अभी मिठाई आप खिला सकते हैं, भोज खिला सकते हैं। लेकिन शादी का भोज और मुंडन का भोज मतलब वो होता है ना एक माहौल, उसका भोज कुछ और होता है। वैसे तो आप मुझे खिला सकते हैं, अब मैं आपको खिला सकता हूँ, ये दूर की बात है। शादी का भोज होता है वैसे उसमें आनंद होता है, सब मिले जुले रहते हैं, एक जगह बैठ कर खाना, परोस के खाना, खुद से रहना, कमेंट करना, ये सब होता है उसमें। मस्ती डीजे पे डांस होता है, आप ही के शादी में आप ही का गीत बजेगा तो कितना अच्छा लगेगा। ये तो है। और क्या मैं बोलूँ, हो गया, बहुत अच्छी बात। इतना इंटरव्यू मैंने किसी को नहीं लिया, सबसे पहला इंटरव्यू मैंने आप ही का लिया। अब देखिए जो भी पब्लिक बोले, गलती शलती माफ़ कीजिएगा सब पब्लिक को, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ और इनका रमन यादव ऑफिशियल का सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। और इनका मलंगिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो, बिट्टू मलंगिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो, और इन नया चैनल रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं, मेरा चैनल चल रहा है मलंगिया म्यूजिक मधुबनी। अच्छा। और एक चैनल चल रहा है देहाती म्यूजिक मैथिली, और एक चैनल चल रहा है बिट्टू मलंगिया एंटरटेनमेंट। अभी तीन चैनल पर मेरा काम चल रहा है। हाँ सुने हैं आप ट्रैक भी बनाते हैं? या ट्रैक भी बनाते हैं, अभी भी ट्रैक पर ही काम पर बैठे हुए हैं। ट्रैक भी बना, अभी ये ट्रैक पर बैठे, ये ट्रैक ट्रैक अभी नहीं बजा सकते हैं क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। कॉपीराइट आने का भी संभावना है, एंगल म्यूजिक का म्यूजिक है। अभी ट्रैक बनाने के लिए बैठे हुए हैं, ट्रैक भी बनाते हैं। इसलिए हम आपको बोले हैं कि मेरा म्यूजिक डायरेक्टर बनने का ख्वाहिश है, और म्यूजिक डायरेक्टर बन के रहूँगा। क्योंकि है कोई मुझे जो ऐसा बोला था जो डीजे वाला म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बना। ओहो एकदम नाम नहीं खोलना चाहते हैं हम, मुझे भी पता है आपको कौन बोला, लेकिन बोला था ना, लेकिन उसका भी एक करके दिखाएंगे ना उसके बाद। उसमें तो मेन रोल मेरा ही था। तो मुझको हमको चैलेंज किया था, मतलब हम पोस्टर जो मलंगिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो का बनाए हुए थे ना। हाँ। तो उस पर हम बैनर पे लिखाए थे म्यूजिक डायरेक्टर बिट्टू मलंगिया लिखाए हुए थे, तो वही मतलब शेयर किए फेसबुक यूट्यूब पे और हर जगह पे। मतलब कोई कमेंट कर दिया कि डीजे वाला कब से म्यूजिक डायरेक्टर होने लगा है। तो उसी दिन से हम ठान लिए कि नहीं म्यूजिक डायरेक्टर बनने का ख्वाहिश है। उस दिन से मैं गायकी का मतलब छोड़ दिया, बहुत कम ध्यान देते हैं, कम ध्यान देते हैं, मतलब म्यूजिक का ज़्यादातर ध्यान देने लगेगा। और म्यूजिक डायरेक्टर आज न कल बन के रहूँगा, ये आप लोगों का पब्लिक का प्यार रहेगा तो जरूर एकदम।
देखिए बहुत मेहनत किया है ये, इतना मेहनत मैं इनके साथ 3 साल रहा हूँ, मैं नहीं कर पाया और मुझसे नहीं होगा, मैं जानता हूँ। क्योंकि इंटरेस्ट होता है ना, सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। जैसे देखिए इनका म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, मुझे मैं थोड़ा मोड़ा गा लेता हूँ, म्यूज़िक में मेरा भी इंटरेस्ट है, लेकिन मेरा मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट है तो उसमें ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ। और एक बात क्या बता सकते हैं, मैं जानता हूँ आप नहीं बता सकते हैं, कौन आपको बोला है म्यूजिक डायरेक्टर वाला? सॉरी नहीं, इसका नाम नहीं खोल सकते हैं, ये गुप्त बात है, नहीं खोल सकते हैं क्योंकि किसी का नाम मार्केट में नहीं। लेकिन चलिए मुझे पता है कौन बोला है नहीं बोला है आपको, हम सब जानते हैं। जब आपको पता ही है तो आज ना कल मतलब बनेंगे और मार्केट में आएंगे ना, तब खुद पता चल जाएगा कौन बोला है नहीं बोला है नहीं बोला है। लेकिन बहुत करीबी आदमी बोला है वो तो हम जानते हैं, मतलब हम लोग उतना सपोर्ट करते हैं उनको। अच्छा कोई बात नहीं, उसका छोड़िए, अब वो उतना झंझट नहीं है। और जो मैं अपना सब पब्लिक का प्यार रहेगा तो सब चीज़ होता रहेगा। पब्लिक को बोल दीजिए एक बार, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, रमन यादव ऑफिशियल मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे मतलब नए से नया मतलब अच्छा से अच्छा सिंगर का इंटरव्यू भी आएगा और कुछ नॉलेज का चीज़ भी आएगा, तो आप लोग इस पे सब्सक्राइब कर लीजिए। हर तरह का इंटरव्यू आएगा इस मलंगिया म्यूजिक और मलंगिया म्यूजिक मधुबनी और बिट्टू मलंगिया एंटरटेनमेंट और देहाती म्यूजिक मैथिली, 3 चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि मेरा गाना आने वाला है अभी 4 बजे, एक फीमेल सिंगर का भी अपलोडिंग होने वाला है, विवेका कुमारी, आप उसको भी सॉन्ग सुन लीजिएगा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गाती है, तो आप लोग सुन लीजिएगा और शेयर कीजिएगा अच्छा से अच्छा। आप देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आप एक गीत सुनाइए अपना कोई। सॉरी नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं सुनूंगा ही, गीत सुनूंगा ही, सब पब्लिक बोलेगी, गीत सुनाइए एक, आप खुद से गा के 2 लाइन। मेरा सॉन्ग अभी हाल फिलहाल देवी गीत आया हुआ है। हाँ, बस 2 लाइन आप गा दीजिए और कुछ नहीं। राइटर कमलेश जी है जो मेरा स्टूडियो का सिंगर है, कमलेश कुमार, उस वो दिया है गीत लिख के। ये गाना था, हे गे मैया देवी कनिया देला बरा हेवी, जय हो, हे गे मैया देवी कनिया देला बरा हेवी, हंस हंस के बोले खूबे बात करे, हंस हंस के बोले खूबे बात करे, हरदम कहे हमरा हेलो हाई बेबी, हे गे मैया देवी हमरा कनिया देला हेवी। अभी शादी नहीं हुई है फिर देखिए, शादी आपका नहीं हुआ है लेकिन आपका कनिया हो गया है, देखिए कितनी बड़ी बात है। अब सॉन्ग है, सॉन्ग में तो हर तरह का होता है, होता है, तो आप लोग उस सॉन्ग भी सुन सकते हैं, देहाती म्यूजिक पे है, बिल्कुल मलंगिया एंटरटेनमेंट दोनों पे है। और एक बार, मेरा एक एजुकेशन चैनल है स्टडी जॉन बाय रमन सर, जो कि मैं 10वां का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मैथ पढ़ाता हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, नीचे, नीचे मिल जाएगा, यहाँ पे बिट्टू भाई के पास क्लिक कीजिएगा, मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। चलिए धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, अगले ब्लॉग में।